सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे सीक बार को यूज कर सकते हैं हमारे ऐप में। सो हमने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसका नाम रखा हमने सीक बार। तो सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं स्क्रीन को। नाउ यहाँ पर हम जो है सीक बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सीक बार को यहाँ से ले लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे दो सीक बार है, तो हम पहले सिंपल सीक बार को यहाँ से यूज करने वाले हैं हमारे ऐप में। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है उसे। नाउ हम इसका साइज सेट करेंगे। अब इसे हम कर देंगे कॉन्स्टेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो अब यहाँ से हमें एक बटन चाहिए। बटन की इसमें जरूरत नहीं है, स्टेट चेंज करनी है हमें इसमें। सो नॉर्मली हम इसमें एक टेक्स्ट रख देते हैं टेक्स्ट व्यू से। तो हमने इसका नाम दे दिया सीक बार एप। नाउ इसका साइज हम सेट कर देते हैं 25 dpi, जो हम हमेशा करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। एंड इसका कलर हम हमारा कस्टम कलर रखेंगे इसमें, पर्पल। नाउ इसे भी हम कर देंगे कॉन्स्टेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हमारे कंटेनर के साथ, और हम कह सकते हैं हमारे फ्रेम के साथ। सो हमारा कुछ इस तरह से एप दिखेगा। यहाँ पर एक बटन रख देते हैं हम। इस बटन का नाम रखेंगे क्लोज। ये जब भी इस पे क्लिक करेंगे हमारा एप सिंपली क्लोज हो जाएगा। तो इसे भी हम करेंगे यहाँ से कॉन्स्टेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। नाउ सो हमारा इंटरफेस तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हमारे इस कोडिंग पार्ट में। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में हम यहाँ पे कोड करेंगे। सो सबसे पहले हमने बनाई थी सीक बार, तो सीक बार को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। सीक बार क्लास को सीक इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। सो हमें एक उसमें लिया था बटन। सो बटन क्लास का हमने B1 एक बटन बना लिया, या फिर हम सिंपली इसे क्लोज इसका नाम रख देते हैं बटन का। दो कंपोनेंट हैं जो एक्शंस परफॉर्म करेंगे जो भी हम चाहिए। तो हमने दो इम्पोर्ट कर लिए क्लासेस से। अब इनको हम इनके रिसोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे। सो सीक है क्या? सीक को हम ट्रांस टाइप कास्ट कर देंगे। सीक है हमारे सीक बार। ये इसका रिसोर्स लोकेट करेंगे फाइल व्यू बाई आईडी से, r.id. हमने जो उसे सीक बार आईडी दी हुई की। सो b1 है हमारा, सॉरी b1 नहीं, हमने यहाँ पे क्लोज इसका नाम रखा है। सो क्लोज को टाइप कास्ट कर देंगे। एक बटन है हमारा, ये रखा का हुआ है, उसे बताएंगे हम फाइंड व्यू बाई आईडी रिसोर्स से बटन। सो नाउ अब यहां पर हो गया हमारे दोनों के दोनों, हमने रिसोर्स फाइंड आउट कर लिए कहां पर है। अब जब भी हम इस पे क्लिक करें, सो हमारे जो बेसिकली सीक बार है हमारा, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो मान लेते हैं जैसे सीक बार है। सो इसमें सिंपली क्या होगा, सीक बार में जैसे पहली जो यहाँ पर है वैल्यू हमारी शुरुआत में, और ये है इसका एंड। सो जो हमारी पहली वैल्यू है 0 से, हमेशा 0 से शुरू होगी। सेकंड वैल्यू हमारी 1 से शुरू होगी। तो ऐसे ही चलती चली जाएगी ये। सो अब कितने इसे जंप करना है, कितने वैल्यू 0 से 1 या 0 से 5, 0 से 10, या कितना उसे जंप करना है शुरू से शुरू तक। सो वो हम इसमें डिसाइड कराते हैं। पहले उसे बताएंगे कि जितनी बार भी हम उस पर टच करेंगे इसके ऊपर, जितनी बार भी हम यहाँ पे टच किया जाएगा ये, तो इससे कितने नंबर जंप करना है या फिर इसकी स्टेट चेंज करनी है, उसे बताएंगे। सो उसके लिए हम इसके डायरेक्टली सीक बार कंपोनेंट में यहाँ पे चले जाएंगे XML फाइल में। यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स, मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू हमें देनी है, 100, 200, 20, 50, कितनी देनी है। सो जैसे हमने यहाँ पे 20 दे दी, सो इसके जब वैल्यू जनरेट करेगा ये, इसमें ट्रांसफर करेंगे तो 20 तक जाएगी। इसकी जो टॉप वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू मैक्सिमम, सो वो होगी 20। नाउ इसका काम खत्म हो गया। अब हम इसमें करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग। सो सिंपल हमने सीक बनाया था, तो इस सीक पर हम इसमें लगाएंगे ऑन स्टेट लिसनर, क्योंकि इससे ये जो है सिंपली स्टेट चेंज कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये वाली स्टेट थी, पहले ये स्टेट है, फिर इस स्टेट पे गया, फिर नेक्स्ट स्टेट पे, तो ये स्टेट चेंज कर रहा है अपनी। तो इस पे हम लगाएंगे ऑन स्टेट चेंज लिसनर। तो उसके लिए हम आएगा सेट ऑन
सीक बार चेंज लिसनर। सो ये हमने बना लिया है फंक्शन। सो इसके पास तीन तीन फंक्शंस बने हुए हैं। इसके पास पहला है ऑन प्रोग्रेस चेंज लिसनर, ऑन स्टार्ट रैच, ऑन स्टॉप। इसका मतलब है कि जब प्रोग्रेस बार चेंज हुई, मतलब जब हम यहाँ से पहली स्टेट से हमारी पहली स्टेट से हम हमारी पहली स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर गए, तो उसमें कितनी वैल्यूज चेंज हुई हैं, तो वो उसकी कोडिंग करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद जब हमने सीक बार को पहली बार टच किया, जैसे कि जैसे हमने यहाँ पे टच किया है इसे, जब पहली बार सीक बार के ऊपर टच किया हमने, तो उसमें क्या मैसेज जनरेट होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट चलनी चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये इस पे लिखा हुआ ऑन स्टॉप, जैसे ही हमने सीक बार को छोड़ा या फिर उसका एग्जीक्यूशन खत्म किया, तो उसको रुकने पर सीक बार का तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो यहाँ लिखेंगे। तो बेसिकली अभी हम बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो जैसे ही जब चेंज लिस्टनर आएगा, तो हम यहाँ पर एक टोस्ट जनरेट करा देंगे। सो टोस्ट में हम जैसे कोई भी मैसेज दे सकते हैं, वैल्यू इज, एंड नाउ यहाँ पर हम जो है सीक बार की वैल्यू को यहाँ जनरेट करेंगे। सो वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, वैल्यू होगी हमारी इंटीजर टाइप की। सो ये इंटीजर का वेरिएबल इसने बनाया हुआ फंक्शन में हमने पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे प्रोग्रेस लिख लेंगे। सो ये जो प्रोग्रेस है, ये वैल्यू कहाँ से लेगा, ये वैल्यू हमारे लेगा मेन XML, यहाँ पे मैक्स 20 है। सो हमारे प्रोग्रेस बार पहले ये जो हमारी प्रोग्रेस बार है, ये सॉरी सीक बार है, इसमें 20 20 में से कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, ये वैल्यू लेकर आएगा ये हमारा ये मैक्स, और मैक्स को मिलेगी वैल्यू प्रोग्रेस से। सो यहाँ पे सिंपली प्रोग्रेस हमारी जनरेट कर देगा। ऑन स्टार्ट पर हमें क्या दिखाना है, जैसे ही उस पर स्टार्ट पे क्लिक करें, तो इस पर क्या होना चाहिए, इस पर भी हम एक मैसेज जनरेट कर देंगे। सिंपल इस पर लिख देंगे हम सीक बार स्टार्टेड। तो जैसे ही हम सीक बार को टच करेंगे, तो ये मैसेज जनरेट होगा। और ऑन स्टॉप के ऊपर हम फिर से एक टोस्ट डाल देते हैं कि भाई स्टॉप, जो हमारी सीक बार है वो रुकी है, एंड हो चुकी है सीक बार स्टॉप्ड। नाउ दैट्स इट, इतना ही हमारा कोड था। सो हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। सो अब इसे हम रन के देखते हैं। सो हमारे लाखों का फोन पिक्सेल एक्सेल एपीआई को रन कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारा एम्यूलेटर लॉन्च होना शुरू हो गया। सो हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। सो नाउ हमारा ऐप यहाँ पे लोड हो चुका है। सो सिंपल हमने क्या किया था, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सो सबसे पहले इस पर जब टच करेंगे हम इसे, तो हमारा जो जब भी इस पर टच करने के लिए हमने इस पर प्रोग्राम लगाया था, जैसे ऑन टच पे, ऑन स्टार्ट टचिंग पे, सो हमें मैसेज जनरेट होगा सीक बार स्टार्टेड, और उसके जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, सो ऑन चेंज लिसनर पे उसकी स्टेट चेंज होगी। सो सिंपल देख लेते हैं, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो सीक बार स्टार्टेड जो हमने टास्क में डाला था, और वैल्यू है हमारी 7। नाउ सीक बार स्टॉप्ड लास्ट में, क्योंकि हमने ये इंक्रीमेंट यहाँ पे की लगातार कंटिन्यूसली नहीं बढ़ाई, तो यहाँ पे रुक गया। जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ये जनरेट करता रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, हमने यहाँ पे 20 सेट की थी, तो 20 तक जाएगा ये, ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। बाकी हमारा क्लोज का बटन हमने नहीं बनाया, सो क्लोज पे हम फटाफट से हम क्लोज बटन पे बुला देते हैं। जो हमारा क्लोज बटन है उस पर लगाएंगे हम ऑन क्लिक लिसनर। हमारे ऑन क्लोज बटन पे कुछ भी नहीं करना, हमने कमांड लिख देंगे सिस्टम डॉट एग्जिट, और हमें इसमें दे देंगे आर्ग्यूमेंट 0, मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि ऐप को करना है एग्जिट। नाउ अब हम इसे रन कर देते हैं।